हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्पून विद नीतू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं एक यम्मी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे हम जाकर रेस्टोरेंट में बड़े चाव से खाते हैं। वो है हरे भरे कबाब। ये देखिए, आज इसकी बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी जिससे आप घर पर ये क्रीमी से और टेस्टी कबाब बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले लें। यहाँ पर मैंने एक बड़ा फ्राइंग पैन लिया है, उसमें मैंने शिमला मिर्च डाली है और इसमें मैंने हरा चना डाला है जिसको हम छोलिया बोलते हैं, और हरी मटर डाली है, और जो मोटे वाली मिर्च आती है हरी, वो भी मैंने इसमें दो काट कर डाली हैं। ये देखिए, अब इनको हम थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरा धनिया। मैं साबुत ही डाल रही हूँ क्योंकि हमें इसे बाद में पीसना है, तो ये थोड़ी देर में ही सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो गया अच्छे से। अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक को मैंने अच्छे से 4-5 बार वॉश कर लिया है साफ करके। अब हम पालक को थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। मेरा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ेगा इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पालक ऐड करूँगी। जैसे जैसे वो सॉफ्ट होता रहेगा तो वो जगह बनती रहेगी उसमें, और मैं पालक और ऐड करती रहूँगी। अगर आपका बर्तन बड़ा है और उसमें पूरा पालक एक साथ आप डाल सकते हैं तो आप पूरा पालक एक साथ भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर और पालक ऐड कर दूँगी। और ये देखिए, पानी छोड़ दिया है सब्जियों ने। अब मैंने थोड़ा और पालक ऐड कर दिया है, इसको भी ऐसे ही मैं सॉफ्ट कर लूँगी पहले। और फिर से मैंने थोड़ा सा और पालक डाला है। मैंने ये लगभग आधा किलो पालक लिया है और अब इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे। हमें पालक को जो है पानी जब वो छोड़ देगा तो उस पानी को पूरा सुखाना है। ये देखिए, ये जो पानी इसमें इकट्ठा हो गया, इसको पूरा सुखा देना है आपको। इसको हाई फ्लेम पर ही आप पकाइएगा। देखिए, थोड़ी देर में ही पालक का पूरा पानी निकल गया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। देखिए, ये ठंडा हो गया है और इसका अब हम पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं मिक्सी का जार ले रही हूँ और उसमें ये मैं डाल दूंगी पूरा मिक्सचर जो हमारा पालक का है, और इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में अच्छे से, इसका प्योरी टाइप बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारी जो है पेस्ट एकदम से पालक वाला बनकर तैयार है। ये पेस्ट अभी पतला है, इसको मैं और पकाऊंगी। अब मैं यहाँ पर नॉन स्टिक पैन ले रही हूँ। मैं यहाँ पर नॉन स्टिक का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये स्टिकी होता है तो नीचे लग सकता है, तो हम इसे नॉन स्टिक पैन में ही पकाएंगे। अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी जो है इसका मॉइस्चर जो होगा वो सोख लेगी और ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच का यूज़ किया है। अगर आपका जो मिक्सचर है वो आपको फिर भी थोड़ा सा पतला लगे तो आप उसमें और सूजी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये टाइट हो गया है, इस तरह से हमें इसे चाहिए। अब हम इसको गैस से उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक एक बाउल में मैं ले रही हूँ पनीर। पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है और आलू को भी मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी मूंगफली और थोड़े से काजू क्रश करके मैंने ये भुने हुए डाले हैं वो डाल दिए हैं, और अब ये जो हमारा पेस्ट है पालक का, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने ठंडा होने के लिए रखा था पर अभी हल्का सा गर्म है। अब इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ, 4 से 5 चम्मच डाले हैं। ब्रेड को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं बहुत इजीली। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पर गरम मसाला डाला है मैंने, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच लगभग चाट मसाला। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली रखिएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका एक डो बना लेंगे। देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आपको अगर यहाँ पर ये डो थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स और डाल सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी अच्छे से। देखिए, ये एकदम से मैंने मिक्स कर लिया है। अब फ्राइंग पैन में मैं ऑयल डाल रही हूँ। मैं इनको सैलो फ्राई करूँगी, आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं, और इसकी हम कबाब बना लेंगे। मैं टिक्की की शेप दे रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी टिक्की बना ली है। अब ऊपर से मैं इस पर एक काजू लगा दूँगी ताकि ये दिखने में अच्छे लगे, सुंदर लगे। ऐसे ही मैं सारे कबाब बना लूँगी इस डो से। देखिए, ये अच्छे से बन गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप फ्राई कीजिएगा ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो। ये देखिए, मैंने इन सारे कबाब को तेल में डाल दिया है।
अब हम इसको नीचे से हल्का सा ब्राउन होने देंगे। देखिए साइडों में थोड़ा सा ब्राउन कलर दिखने लगा है, तो अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से इसको पलटिएगा, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये कबाब। देखिए इस तरह से मैं भी बड़े ध्यान से इसको पलट रही हूँ, और ये हमारे कबाब अब हम दोनों साइड से सेक लेंगे। देखिए अब ये हमारे कबाब बनकर तैयार हैं, हरे भरे कबाब। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। सारे कबाब मैं टिश्यू पेपर पर निकाल लिए हैं, अब इनको सर्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने हरी चटनी ली है और मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ। साथ में थोड़े से प्याज के लच्छे मैं डालूंगी। ये मैंने सिरका, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, नमक डालकर बनाया है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे हरे भरे कबाब तैयार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।